नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं अपने YouTube चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूँ। और हम वक्रों का अध्ययन कर रहे थे, उनमें चार वक्र हमने पहले पढ़ लिए हैं, अब हम त्रिकोणमितीय वक्रों की बात करेंगे। क्योंकि कुछ वक्र ऐसे हैं जो बहुत सिंपल, जिन्हें हम ये मान सकते हैं कि जो हमारे काफ़ी काम भी आते हैं और बार बार हम उनका प्रयोग करते हैं, तो उनको समझाने की इतनी आवश्यकता मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। और फिर भी अगर आप कहोगे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं उनको भी आपको अच्छे तरीके से समझा दूंगा। फिलहाल अब बात करते हैं त्रिकोणमितीय वक्र की। त्रिकोणमितीय वक्रों में छह वक्र हम पढ़ेंगे, साइन, कोस, टेन, कॉट, सेक, कोशे। इनमें से तीन आपके सामने हैं बने हुए। सबसे पहले हम देखते हैं साइन, साइन एक्स। जब हम साइन एक्स का वक्र बनाते हैं तो कुछ इस प्रकार बनता है, एक सर्पिलाकार आकार में जीरो से लेके पाई बाई टू तक धीरे धीरे बढ़ता जाता है, वर्धमान प्रकृति को दर्शाता है, इंक्रीजिंग। और पाई बाई टू से लेके पाई से होता हुआ थ्री पाई बाई टू तक, यहाँ तक ये ह्रासमान प्रकृति को दर्शाता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि कुछ अंतराल में साइन है वो वर्धमान और कुछ अंतराल में साइन ह्रासमान प्रकृति को दर्शाता है। अतः अगर हम पूरे अंतराल की बात करें तो साइन न तो वर्धमान फलन गिना जाएगा और नहीं ह्रासमान फलन गिना जाएगा। इसके साथ ही हम देखते हैं कि जीरो, पाई, टू पाई, माइनस पाई, माइनस टू पाई, इनके ऊपर साइन का वैल्यू है वो जीरो प्राप्त होता है। अगर हम इसके कुछ विशेष गुणों की बात करें तो इसका प्रांत है वो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय आर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये आर के समस्त मानों को ग्रहण करता है। और परिसर की बात करते हैं तो नीचे माइनस एक से नीचे ग्राफ का कोई भी हिस्सा नहीं है और ऊपर प्लस एक से ग्राफ का कोई भी भाग नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि इसका परिसर है वो माइनस एक और एक को शामिल करते हुए एक संवृत अंतराल बनाता है। सर्वत्र संतत फलन है, कहीं भी टूटता नहीं है, सर्वत्र अवकलनीय भी है। साइन एक्स का अवकलन हम सब जानते हैं कोस एक्स होता है, न वर्धमान और न ह्रासमान, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको। निम्निष्ठ मान नीचे से नीचे माइनस एक ग्रहण कर रहा है और ऊपर से ऊपर प्लस एक ग्रहण कर रहा है। हाँ, ये आवर्ती फलन है। आवर्ती फलन का मतलब होता है कोई भी फलन एक निश्चित समय के निश्चित समय अंतराल के बाद में अपनी पुनरावर्ति करता है, अर्थात जैसा उस अंतराल में उसका वक्र बनता है ठीक उसी प्रकार उसके दूसरे अंतराल में उसका वक्र बनता है। तो हम यहाँ देखते हैं कि 2 पाई यहाँ से लगा के 2 पाई तक इसका जो शेप आपको दिख रहा है वो आगे 2 पाई से लगा के 4 पाई तक भी सेम वैसा ही दिखेगा। इसका मतलब इसका आवर्तनांक हो गया 2 पाई। और अगर इस एक अंतराल की बात करें 0 से पाई, तो इसका जो क्षेत्रफल बनता है यहाँ से यहाँ तक का, ये आपके बनता है 2 वर्ग इकाई, एक इसका, एक इसका, एक इसका और एक इसका। अगर 0 से 2 पाई तक की बात करें तो ये एक्स एक्स के साथ में 4 वर्ग इकाई क्षेत्रफल क्रिएट करता है। ये भी हमें समाकलन के अनुप्रयोग जब हम पढ़ेंगे उनमें काम आएगी ये चीज। इसी प्रकार कोस एक्स की बात करते हैं। हाँ, एक चीज और, साइन एक विषम फलन होता है। विषम फलन का मतलब होता है यदि एक्स की वैल्यू नेगेटिव कर दी जाए, ऋणात्मक कर दी जाए, साइन एक्स की जगह अगर मैं माइनस साइन एक्स लिखता हूं तो ये माइनस का चिन्ह बाहर आ जाएगा और साइन एक्स बन जाएगा, तो ये एक विषम फलन ऑड फंक्शन होता है। इसके बाद बात करते हैं कोस की। कोस का प्राण परिसर संतत अवकलनीय, न वर्धमान न ह्रासमान, निम्निष्ट मान उच्चिष्ट मान, आवर्ती फलन बिल्कुल आप देखो साइन के बिल्कुल समान है। अंतराल 0 से पाई तक इसका क्षेत्रफल भी 2 वर्ग इकाई ही है, लेकिन अंतर क्या है? अंतर ये है कि ये एक सम फलन है। सम फलन का तात्पर्य हो गया कि यदि मैं कोस माइनस एक्स लिखता हूं तो ये कोस एक्स में ही प्राप्त होगा, मुझे ऋणात्मक चिन्ह का विलोप हो जाएगा यहाँ पे, तो ये एक सम फलन है जबकि साइन एक विषम फलन होता है। जहां जहां साइन का मान 0 हो रहा था वहां वहां कोस का मान 1 होगा, और जहां जहां कोस का मान 0 होगा वहां वहां साइन का मान 0 नहीं होगा। कहने का मतलब है कि अगर हम इस आलेख को थोड़ा सा पीछे की तरफ खींच दें या इस आलेख को थोड़ा सा डोरी को पकड़ के आगे की तरफ सरका दें तो ये दोनों एक जैसे ही दिखेंगे। अब बात करते हैं टेन की। टेन का जब हम वक्र बनाते हैं, हमें पता है कि टेन
का जब हम ग्राफ बनाते हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में तो होता है 10 पॉजिटिव और सेकंड और फोर्थ में होता है 10 नेगेटिव, जबकि इन दोनों में क्या था, साइन तो था फर्स्ट और सेकंड में पॉजिटिव, कोस था फर्स्ट और फोर्थ में पॉजिटिव, और टेन की बात करते हैं तो टेन होता है फर्स्ट और थर्ड में। फर्स्ट जो क्वाड्रेंट होता है उसमें सारे त्रिकोणमिति जो अनुपात होते हैं वो धनात्मक वैल्यू ही लेते हैं। इसके साथ में हम देखते हैं कि जहां जहां पाई बाई टू, थ्री पाई बाई टू, माइनस पाई बाई टू, माइनस थ्री पाई बाई टू, यानी पाई बाई टू के विषम गुणज, जो पाई बाई टू के विषम गुणज है उन सभी पर टेन है वो एक इनफाइनाइट वैल्यू ग्रहण करता है, अर्थात अनिर्धारित मान ग्रहण करता है। इसलिए हमने क्या किया, जहां जहां ये पॉइंट थे वहां पे एक डॉट डॉट वाली लाइन बना दी जो अनंत की ओर अग्रसर हो रही है। तो अगर हम प्रांत की बात करें तो जो कोई भी फलन जिस बिंदु के ऊपर अपरिभाषित होता है, अनिर्धारित मान ग्रहण करता है, वो बिंदु हम उसके प्रांत में, डोमेन में शामिल नहीं करते हैं। तो हम क्या करेंगे, उन बिंदुओं को हटा देंगे। एन बिलोंग टू जेड इसलिए है क्योंकि ऋणात्मक भी और धनात्मक भी है। टू एन प्लस वन एक विषम संख्या होती है और पाई बाई टू के गुणज, यानी पाई बाई टू के जितने भी विषम गुणज है उनको हम हटा देते हैं। तो इसका मतलब है इसका प्रांत हो गया आर माइनस टू एन प्लस वन पाई बाई टू, जहां एन का मान है वो एक पूर्णांक होगा। परिसर आर है, नीचे से लगा के ऊपर तक एक्स वाई एक्स के सारे मान देखो हम ग्रहण कर रहे हैं, ये वाई एक्स के सारे मान हम ग्रहण कर रहे हैं, तो इसका परिसर हो गया आर। अपने प्रांत में संतत है, यहाँ एक सोचने वाली बात है, अगर हम टेन की ओवरऑल अगर वास्तविक संख्या रेखा पे बात करें तो ये एक संतत फलन नहीं है क्योंकि ये जगह जगह टूट रहा है, लेकिन अगर अपने प्रांत की बात करें तो अपने प्रांत में ये सदैव संतत होगा। तो यहाँ दो चीजें हमें याद रखनी है अगर बात आती है अपने प्रांत की, क्योंकि जिन बिंदुओं पर ये असंतत था वो तो हमने पहले इसके प्रांत में शामिल ही नहीं किए, तो ये संतत फलन है और अपने प्रांत में अवकलनीय भी है। टेन का अवकलन और हम समाकलन भी करते हैं, टेन का अवकलन हम करते हैं sec स्क्वायर x, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू में वर्धमान है, यानी इस अंतराल में ये वर्धमान है, उसके बाद इस अंतराल में वर्धमान है, तो विभिन्न अंतरालों के अंदर ये वर्धमान की प्रकृति को दर्शाता है। उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान का अस्तित्व नहीं है क्योंकि नीचे वाला निम्निष्ट बिंदु और ऊपर वाला उच्चिष्ट बिंदु हम ज्ञात नहीं कर सकते। आवर्ती फलन है क्योंकि ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ये बार बार रिपीट हो रहा है, देखो पाई अंतराल के बाद में, पाई अंतराल के बाद में पुनः उसी आवृत्ति को दोहराता है। तो ये तीन ग्राफ साइन कोस टेन के आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसके बाद में मैं आपको कॉट सेक और कोसेक के ग्राफ भी बता देता हूँ।